तो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी चलेंगे। तो गाइस, मैं मनु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनी गर्ल्स में। तो गाइस, आपके फ्री फायर के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फ्री फायर गेम है वो नेटवर्क कनेक्शन एरर शो करा रहा है, यानी आपका जो गेम है वो ओपन नहीं हो रहा है। आप देखो, यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गाइस तुमने वाईफाई भी यूज़ करके देख लिया, डाटा भी ऑन करके देख लिया, आपका दूसरा सर्वर में वीपीएन लगा के भी देख लिया, लेकिन गाइस आपका जो गेम है ना वो ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग बताऊंगा, उस सेटिंग के जरिए आप अपना गेम में वो ओपन कर पाओगे, यानी आपको गेम ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं, उस सेटिंग को अगर तुम लोग अपने मोबाइल के अंदर करते हो तो आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी नेटवर्क कनेक्शन एरर को लेके। अब गाइस यहां पर मैं आपको किसी ऐप के बारे में नहीं बता रहा, ना ही किसी थर्ड पार्टी चीज के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि यहां पर मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताने वाला हूं। अब गाइस देखो, आप में ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि आप या तो अपने डाटा से गेम खेलते हैं या फिर गाइस आपके मोबाइल में वाईफाई होगा, यानी गाइस जैसे अपने मम्मी का हॉटस्पॉट ऑन करवाया, पापा का हॉटस्पॉट ऑन करवाया, या फिर कहीं आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है उससे आप ऑन करके गेम सिंपली खेल पाते हो। लेकिन कहीं कई कई बार क्या होता है कि ना तो आपके डाटा से गेम चलता है, ना ही आपका हॉटस्पॉट से गेम चलता है, और ना ही मतलब आप कुछ भी कर लेते हो, आप वीपीएन भी लगा के खेलते हो ना, उस टाइम पर भी आपका गेम नहीं चलता है। तो कहीं आपको कौन सी वाली सेटिंग करनी है, तो कहीं सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग वाला ऑप्शन होता है तो आपको सिंपली सेटिंग वाला ऑप्शन ऑन करना है। उसके बाद कहीं यहाँ पर आपको सर्च करना है प्राइवेट DNS, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको सर्च कर लेना है प्राइवेट DNS। अब भाई जैसे ही आप प्राइवेट DNS सर्च करोगे उसके बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आएंगे, एक तो है गाइस आपका ऑफ वाला ऑप्शन, ऑप्शन है वो है गाइस आपका ऑटो वाला ऑप्शन, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको ना तो ऑफ पर क्लिक करना है, ना ही आपको ऑटो पर क्लिक करना है, आपको जो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन है ना आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटर फेस है वो आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसमें लिख रखा है ना DNS. उसके बाद edgard.com, ये गाइस आपको सिंपली वहां पर लिख देना है। ये लिखने के बाद गाइस आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना, और 400 के फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब हैं, तो यार जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी 400 के फैमिली कंप्लीट करवा देना। और गाइस अगर आप लोग अपना गेम अभी के टाइम पर ओपन करोगे ना तो गाइस आपका जो गेम है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी बात और सुन लो, क्या देखो इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ आप लोग 400 के फैमिली यार 4000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, बस मेरे को पता है आप लोग अगर एक एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा ना तो 4000 सब्सक्राइबर एक या दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कहीं उनको भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कहीं इन फ्यूचर कभी उनको आती है तो कहीं वो ये वीडियो देख के या फिर कहीं अभी आप सेटिंग ऑन कर लोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, इतना अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो हो सके तो शेयर कर देना। अगर आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हो kuni.gamers। जैसे ही आप kuni.gamers डालोगे सबसे पहले इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है जो कि मेरी आ जाएगी। और गाइस देखो शेयर करना ना भूलें, ठीक है, 400 के फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और गाइस कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी।